अच्छा जी, आज जो है हम एरे की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ रहे हैं, यानी एरे को सी प्लस प्लस में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। लास्ट टाइम हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था, अभी जो है हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे। तो आपके सामने जो स्क्रीन है, कोडिंग स्क्रीन, उसमें पहला जो प्रोग्राम लिखा हुआ है कि हम एरे के एलिमेंट को स्टोर किस तरह से करेंगे और एरे को डिस्प्ले किस तरह से करेंगे, इसको हमने थ्योरेटिकली भी देखा था। अभी हम परफॉर्म करके देखेंगे किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एरे को डिक्लेयर करना है। एरे को डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एरे की टाइप, टाइप कोई भी आप रख सकते हैं, जिस टाइप की आप एरे बनाना चाहते हैं उसकी टाइप मेंशन करेंगे। लाइक इंट, मैं एक इंट टाइप का एक एरे बना रहा हूँ और उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं कहता हूँ डेटा। नाम रखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने उसकी लेंथ मेंशन करनी है। लेंथ से मुराद ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने होंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में आपने लिखनी है, ब्रैकेट में ऊपर 5 लिखा है तो मैं 5 ही लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये आपने एरे डिक्लेयर कर दी। एरे डिक्लेयर करने के बाद सबसे पहले हमने ये काम करना होता है कि एरे में एलिमेंट को स्टोर करना होता है। ठीक है, एलिमेंट को स्टोर करने के लिए, एलिमेंट को स्टोर करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो फिर आप यूजर से डिमांड करेंगे या फिर आप खुद से इनिशियलाइज करेंगे एरे को एलिमेंट देने के लिए। या तो आप यूजर से डिमांड करेंगे या फिर उससे असाइन करेंगे। आपने पहले बताना है कि मैं कौन सा मेथड पहले परफॉर्म करूं, एरे के एलिमेंट के लिए यूजर से डिमांड करूं या खुद से इनिशियलाइज। सर खुद से इनिशियलाइज कर ले। चलिए खुद से इनिशियलाइज करते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने एरे का नाम जो लिख दिया है, उसके बाद आपने ब्रैकेट, ब्रैकेट आपकी जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये रिप्रेजेंट करती है कि ये डेटा जो है एक सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये एक एरे वेरिएबल है। ठीक है, और उसके अंदर जो लेंथ लिखी हुई है वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो इनिशियली आपने खुद से अगर वैल्यू देनी है तो आपने करना क्या है, सिर्फ इक्वल का असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है, उसके बाद आपने लगाने कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगानी है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने वैल्यू प्लेस करनी है। कोई भी 5 वैल्यू हम प्लेस करेंगे, 10, 20, 50, 70, 25, तो ये आपके पास 5 वैल्यूज आपने इनिशियलाइज कर दी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको मैं कमेंट्स में लिखता हूँ, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। अब ये जो इनिशियलाइज किया है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप 5 लिखें, मतलब आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यानी ये कंपाइलर जो है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को देखते हुए खुद ब खुद इसके साइज या इसकी लेंथ खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। तो अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लें अपनी आसानी के लिए, अदरवाइज ये ऑप्शनल हो जाता है इनिशियलाइजेशन के वक्त, सिर्फ इनिशियलाइजेशन के वक्त। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने खुद से वैल्यू असाइन कर दी, यानी यूजर ने नहीं दी, प्रोग्रामर ने दी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को शो करना है। शो करने के लिए आप एक मैसेज टाइप कर दें, द एलिमेंट ऑफ एरे आर। ठीक है, एक मैसेज मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, और उसके बाद कितनी वैल्यूज हैं, 5 वैल्यू। यहाँ तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, सी आउट एरे ऑफ 0। ठीक है, परसेंटेज सी आउट एरे ऑफ, सॉरी, हमने डेटा नाम रखा हुआ है, डेटा ऑफ 0, डेटा ऑफ 1, सी आउट डेटा ऑफ 2। तमाम एलिमेंट को किस तरह से आप डिस्प्ले कर रहे हैं सेपरेटली,
अगर सेपरेटली ही आपने करना है, मैनुअली करना है, आपने खुद से लिखने हैं तमाम इंडेक्सेस, तो फिर काम अगर आपके पास बहुत बड़ी एरे है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी इस तरह से लिखना। ठीक है, इस तरह से आप एरे को डिस्प्ले तो करवा लेंगे, लेकिन अगर आपके पास एरे 2000 एलिमेंट की है तो उसमें आपको मुश्किल हो जाएगी इन तमाम एलिमेंट को इस तरह से लिखने के लिए। ठीक है, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। हमने सेव कर दिया, कंपाइल करने के लिए F9 मैंने प्रेस किया, कंपाइल हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा F10। अब ये F10 मैंने किया है, स्क्रीन में आपको शो करता हूँ। ये देखें जी, स्क्रीन में देखें आपके पास आउटपुट नजर आ रहा है, ये 10, 20, 50, 70, 25, क्लियर? यस सर, अच्छा, लेकिन आपने तो अलग अलग नहीं लिखा था, तो ये फिर भी बगैर स्पेस के नजर मैंने आया, फिर यहाँ पे स्पेस भी नहीं दी, यहाँ पे स्पेस नहीं दी क्योंकि लाइन चेंज नहीं की मैंने यहाँ पे। अगर मैं स्पेस दूंगा तो फिर होगा ना। अब ये इसके बाद मैं अगर ऐसे स्पेस दे दूं, स्क्रीन शो हो रही है कोडिंग स्क्रीन? यस सर। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं इसको इस तरह से स्पेस दे दूं तमाम के आगे, अब ठीक है। सर यहाँ पे हम एंड एल लिख सकते हैं। एंड एल लिखेंगे तो लाइन चेंज हो जाएगी, हर नई लाइन पे एक नया नई वैल्यू होगी। अब मैंने क्या किया है, एक स्पेस एलोकेट कर दी तमाम के लिए। मैं उसको कंपाइल कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट। अब देखें आउटपुट, ठीक है। सर हम इसको सबको इकट्ठे नहीं लिख सकते, मतलब जैसे आपने सी आउट 0 लिखा है, फिर सी आउट 1 लिखा है, तो इसको अब सी आउट 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं लिख सकते। नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको एक मैंने अल्टरनेट वे बताया था, थ्योरेटिकली लूप यूज करते हैं, ठीक है, उसी की तरफ मूव कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि एक एरे में अगर 2000 या 10,000 एलिमेंट है तो उसको इंडिविजुअल लिखना तो फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें चेंज किस में आ रहा है। अब ये 5 स्टेटमेंट लिखी है, ये 5 स्टेटमेंट में चेंज कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ ये इंडेक्स चेंज हो रहा है। अरे इंडेक्स यस चेंज हो रहा है, सिर्फ इंडेक्स चेंज हो रहा है। जब इंडेक्स चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये इसको हम इंडेक्स को वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है, और ये हर बार खुद ब खुद चेंज हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लूप का हिस्सा बना देंगे। एक लूप बनाते हैं, लूप इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू कितना लिखूं, 5, 4 4 लिखूंगा क्योंकि इक्वल का सिंबल है। अगर मैं इक्वल का सिंबल नहीं लगाता तो 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने इन स्टेटमेंट को तो मैंने डिलीट करना है क्योंकि मुझे एक स्टेटमेंट चाहिए जिसको मैंने बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, लेकिन उसमें जो वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू चेंज होनी है वो है इंडेक्स। उसको हमने आई असाइन कर दिया, इंडेक्स की जगह पे आई लिख दिया। अब इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक खुद ब खुद क्या होगा, चेंज होती रहेगी। आज डेटा ऑफ 0 होगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। डेटा ऑफ 0 पे वैल्यू क्या पड़ेगी, ये 10। यानी इनके इंडेक्सेस क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, ये इस तरह से इसके इंडेक्सेस है। जब आप एरे को इनिशियलाइज कर देते हैं तो लाजमी तौर पर जो पहला एलिमेंट होता है ना उसका इंडेक्स 0 होता है, ठीक है। हमने इनिशियलाइज किया है तो पहले एलिमेंट का इंडेक्स जो है 0 है, तो 0 इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद स्पेस, फिर फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट होगी, फिर उसके बाद स्पेस। इसी तरह ये 5ों वैल्यू डिस्प्ले होगी और उसके बाद आई की वैल्यू जो 5 होगी तो कंट्रोल यहाँ से बाहर निकल आएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, सेव करें, F9, सर
सर वो एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है चैट में, हाँ जी वो कह रहे हैं कि सी आउट जीरो लिखेंगे तो टेन शो होगा, वो ये अगर आप सी आउट देखें, अगर सी आउट डेटा ऑफ जीरो लिखेंगे ना, 10 फिर शो होगा। ये अभी हमने काम करके देखा है, ठीक है। अगर सी आउट डेटा ऑफ जीरो लिखेंगे देन 10 शो होगा ना। अभी आप इसको देखें, लूप को देखें, अगर लूप से सारे एलिमेंट शो करवाने हैं तो आपको लूप यूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर तमाम एलिमेंट, अगर बहुत ज्यादा बड़ी एरे है और आपने उसके तमाम एलिमेंट को शो करना है, तो उसके नंबर ऑफ टाइम्स यानी जितनी भी उसकी लेंथ है उतने टाइम्स के लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। अगर 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट के लिए लूप जो है 5 टाइम रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। क्लियर? अच्छा जी, हमने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी भी देखें तो हमारे पास जो आउटपुट आया है वो सेम पहले की तरह है, ठीक है। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चेंज लेके आ रहा हूँ, अब वो देखिएगा। अगर मैंने एरे के एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में शो करना है, अगर मैंने एरे के एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में शो करना है, मसलन यहाँ पे आपके पास स्क्रीन में देखें, पहले है 10, 20, 50, 70 और 25। अब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में शो करना चाहता हूँ, 25, 70, 50, 20, 10, तो क्या करूंगा मैं? बिल्कुल ठीक है जी, आपने सिर्फ लूप में आई माइनस माइनस कर देंगे, आई 4 और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल और माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस। यस, आप लोग तो पढ़ने वाले हो गए हैं। अच्छे जी, ये इसको सेव करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो प्रेजेंट इधर शो हो रहे हैं लेकिन वो कहीं और लूडो स्टार वगैरह खेल रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है आपकी क्लास में? नो सर, नो सर। चलें, मैं किसी से भी रैंडमली जो भी नाम शो हो रहे हैं उनसे पूछ सकता हूँ रैंडमली, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करने के बाद स्क्रीन को देखें आप, जरा आउटपुट देखें, रिवर्स ऑर्डर में आ गई, ठीक है। 25 पहले आ गया, 70, 50, 20 और फिर 10। क्लियर? यस सर। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पे अगर आप अलहदा से देखें कि अगर मैं ये लिखता हूँ सी आउट, अगर मैं कहता हूँ डेटा ऑफ, जैसे एक क्वेश्चन आया था, हमना ने क्वेश्चन किया था कि जीरो पे अगर हम वैल्यू पिक करना चाहते हैं तो अलहदा से जीरो को आप शो करवा दें, डेटा ऑफ जीरो, तो इस तरह से इसका आंसर अलहदा से 10 आएगा। मैं यहाँ पे सी आउट, अच्छा, मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट और लिखी है, तो फॉर लूप की जो ब्लॉक है, फॉर लूप का ब्लॉक, उसमें कितनी स्टेटमेंट है? आमना आपने बताना है, आमना फियाज। आमना आपने बताना है कि इस फॉर लूप के अंदर या इस फॉर लूप के ब्लॉक में कितनी स्टेटमेंट है। जी नहीं पता, अरीशा, अरीशा आप बताएं।
जी फिजा हमारा, आप बताएं। फॉर लूप के बाद तीन स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस फॉर लूप के हिस्से में कितनी है? सर थ्री दोबारा देखें। मलिया आप बताएं। सर फोर स्टेटमेंट है भाई, एक ही स्टेटमेंट है क्योंकि हमने ब्रैकेट नहीं लगाई। फॉर लूप का जो ब्लॉक बनाना है हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाई। अगर कर्ली ब्रैकेट हम लगाते तो हमारे पास उतनी स्टेटमेंट होती जितनी कर्ली ब्रैकेट में लिखी होती, ठीक है। यहाँ पे कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो लिहाजा एक ही स्टेटमेंट कंसीडर होगी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे शुरू स्टार्ट में और एंड में तो हमने कर्ली ब्रैकेट लगाई है ना, वो मेन की कर्ली ब्रैकेट है। देखें फॉर लूप जब मैंने स्टार्ट किया है तो उसके नीचे कोई ब्रैकेट नहीं लगाई है, उसके नेक्स्ट मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाई, तो ये जो ब्लू हाईलाइट मैंने की है स्टेटमेंट, ये सिर्फ यही स्टेटमेंट उसका फॉर लूप का हिस्सा है, ये स्टेटमेंट फॉर लूप का हिस्सा नहीं है। एंड डेल का मतलब ये है कि ये चार बार पांच बार डाटा शो हुआ, यानी पांच वैल्यू इसकी शो होने के बाद नई लाइन आई, फिर उस पे एक डेटा ऑफ जीरो प्लेस होगा जो कि जीरो होगा, ठीक है, यानी जो कि टेन है। सर मतलब हम जो कर्ली ब्रैकेट है वो ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखने के लिए यूज करते हैं, ब्लॉक बनाने के लिए, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे मेन है ना, तो मेन के अंदर आपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखी है तो इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है। इसी तरह इफ है, इफ के अंदर ज्यादा आपने स्टेटमेंट अगर आपने एग्जीक्यूट करवानी है तो कर्ली ब्रैकेट चाहिए। इसी तरह लूप है कोई, उसमें अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करवानी है तो फिर आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट में देखें। अब गौर करें, वही पांच वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में शो होने के बाद जो पहले इंडेक्स पे वैल्यू थी वो 10 शो हो गई है, लाइन चेंज हुई है, ठीक है। पांच वैल्यू के बाद लाइन चेंज हुई है, यानी लूप टर्मिनेट हुआ तो एंडल पे आया, नई लाइन पे आया, फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद क्या किया उसने, डेटा ऑफ जीरो पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको शो किया है। क्लियर? यस सर। चलें जी नए प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। अच्छा यहाँ पे हम देखेंगे कि एक एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन तमाम वैल्यूज का सम और एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि एक एरे उसी तरह से हम डिक्लेयर करेंगे, डेटा ऑफ फाइव एलिमेंट ले लें, आपकी अपनी मर्जी है कितने एलिमेंट लेने, फाइव एलिमेंट लिए। अब मैं यूजर से डिमांड करूंगा कि मुझे वो वैल्यूज दे, ठीक है, एरे के लिए वैल्यू खुद से दे वो। और यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल चाहिए सम के लिए, सम, एक वेरिएबल चाहिए एवरेज, अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज आप लिख लें। अच्छा दो वेरिएबल हमें चाहिए, शुरू में सम में मुझे जीरो चाहिए वैल्यू क्योंकि सम अभी कैलकुलेट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहा हूँ, एंटर, या यूं कह लें कि इसको मैं लूप के अंदर ही ले जाऊँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो। कितने एलिमेंट पिक करने हैं मैंने यूजर से? फाइव। अब देखें मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर वैल्यू, अब मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस लूप को रन करता हूँ तो एंटर वैल्यू फाइव टाइम डिस्प्ले होगा क्योंकि मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई। एक से ज्यादा स्टेटमेंट को अगर आपने लिखना है तो क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है, ठीक, ये ब्रैकेट लगाई है। यहाँ पे मैंने क्योंकि सीन भी करना है साथ साथ, तो डेटा ऑफ आई
क्लियर। ये पांच बार मैंने वैल्यू यूजर से डिमांड कर ली। अब तरीकाकार ये होता है कि जैसे जैसे वैल्यू आ रही है वैसे वैसे आप इसको सम में भी कैलकुलेट कर सकती है, अदरवाइज आपको सेपरेटली एक लूप चलाना पड़ेगा और उसमें आप सम कैलकुलेट करेंगे। अगर आप स्कैनिंग के वक्त ही सम करना चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट एक और लाइन आप लिख दें, स्टेटमेंट लिख दें, सम इज इक्वल टू सम प्लस डेटा ऑफ आई। इस बात की समझ आई है? नो सर। मैं हर वैल्यू जो भी आ रही है, पहली वैल्यू जो भी हम देंगे वो सम के साथ ऐड होगी। सम में क्या पड़ा हुआ है? जीरो। जीरो अगर किसी नंबर के साथ ऐड होता है तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आता, ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ पे टेन देता हूँ, पहला एलिमेंट एरे का टेन देता हूँ और वो टेन किस में ऐड होगा? जीरो के साथ ऐड होगा। जीरो प्लस टेन टेन, और वो दोबारा स्टोर किस में होगा? सम के अंदर ही। जब अगली वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू में देता हूँ तो वो ट्वेंटी दूंगा, तो यहाँ पे होगा ट्वेंटी और यहाँ पे क्या होगा? टेन, तो कितना होगा? थर्टी। तो थर्टी सम के अंदर प्लेस हो जाएगा। तो सम इज इक्वल टू सम का मतलब हमने सम को रीयूज करना है, उसका पुराना सम भी हमने कैलकुलेट करना है। यानी हमारे पास वैल्यू है ना टेन ट्वेंटी थर्टी, इस तरह से अगर वैल्यू है तो हमने पहले टेन को ऐड करना है ट्वेंटी के साथ, ट्वेंटी को थर्टी के साथ, यानी पहली दो वैल्यू को हमने ऐड जो किया हुआ है वो आगे फॉरवर्ड होता जाएगा। क्लियर? यस सर। यानी हमें प्रीवियस सम चाहिए ताकि कम्प्लीटली हमारे पास सम जनरेट हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास लूप टर्मिनेट जब होगा तो सम कैलकुलेट हो चुका होगा, तो मैं लिख सकता हूँ सी आउट, या पहले एवरेज निकाल लें। एवरेज कैसे निकालेंगे? कितने एलिमेंट है एवरेज? ये हमने वेरिएबल लिखा था इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय कितने एलिमेंट है? फाइव एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट से आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। तो अब आप मैसेज में डिस्प्ले कर दें सी आउट द सम सम ऑफ एरेज एलिमेंट इज, यहाँ पे आप सम लिख दें और एंडल, इसी तरह सी आउट द एवरेज ऑफ एलिमेंट्स इज और यहाँ पे एवीजी लिख दें। ठीक है, क्लियर? यस सर। इसको हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो गया। यहाँ पे थ्री ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, फोर की फोर के अंदर थ्री स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर देखिए ना, ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है? कंपाइल हो गया, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट किया, आउटपुट में वैल्यू डिमांड की जा रही है। आप वैल्यू खुद से बता दें, नहीं तो मैं लिख देता हूँ। लिख दें सर आप। 10, 20, आप देखें एंटर वैल्यू लूप का हिस्सा है तो बार बार वो रिपीट हो रहा है। 30, 40 और ये 50। अब गौर करें इनका सम क्या आया है। द सम ऑफ एरे एरेज एलिमेंट इज 150। इनको ऐड करें 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100 और ये प्लस 50 150। और इनके एवरेज क्या आया? 150 डिवाइडेड बाय 5 तो 30 एवरेज। 30। ठीक है, क्लियर? यस सर। कोई इश्यू तो नहीं? नो सर। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है हमने काउंट करने हैं कि कितने एलिमेंट ऑड हैं और कितने इवन हैं। ठीक है,
कंस्ट्रेंट, उसी तरह डाटा ले लेते हैं और इसमें लेट से मैं पहले वाली एरे को पिक कर लेता हूँ, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं उससे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आपने इसमें कैलकुलेट करना है, काउंट करना है कि कितने ऑड हैं और कितने इवन है। इवन तो इवन यहाँ पे 4 है जो नजर आ रहा है और ऑड आपके पास 1 ही है, लेकिन हमने लॉजिक के थ्रू बनाना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर उसके लिए उससे पहले हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ऑड और इवन के, इंट सी यानी काउंट ऑड कॉमा काउंट इवन, ठीक है। 2 वेरिएबल हमने लिए काउंट ऑड और काउंट इवन, और शुरू में इन्हें वैल्यू क्या देनी है, 0 से इनिशियलाइज करवाना है जैसे हमने सम को करवाया है, ठीक है। तो सी ऑड इज इक्वल टू सी इवन, इन दोनों को 0 असाइन कर रहा हूं एक साथ, ठीक है। मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया। अच्छा, उसके बाद इंट आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू 4, ठीक, और आई प्लस प्लस। अब क्या करना है, मैंने अब मुझे कंडीशन लगानी है, इफ डेटा ऑफ आई यानी एरे का एलिमेंट कहाँ पे है, डेटा ऑफ आई में अगर, तो उसको हम डिवाइड करें 2 से और उसका रिमाइंडर निकालें, अगर तो रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो वो नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, इवन नंबर, इवन तो इवन अगर होगा तो इवन सी इवन काउंट इवन में 1 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, अदरवाइज किस में होना चाहिए, सी ऑड में इंक्रीमेंट होना चाहिए, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा। लूप ने इस तमाम को यानी सिर्फ चेंज कहाँ पे लाएगा, आई में चेंज लाएगा, यानी इंडेक्स चेंज होता रहेगा और एरे की एलिमेंट पिक होती रहेगी, ठीक है, और उसका रिमाइंडर 2 पर डिवाइड करने से रिमाइंडर वेरीफाई होगा, अगर तो वो इवन है तो उसका रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 होने की वजह से काउंट इवन में 1 का इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज ऑड में इंक्रीमेंट होगा, क्लियर। तो यहाँ पे लूप से बाहर आप लिख सकते हैं वैल्यूज आर सी इवन, ठीक है, हैंडल सी आउट टोटल ऑड वैल्यूज आर, सी ऑड हैंडल, ओके, सेव करते हैं। सेव करने के बाद कंपाइल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या एरर आया जी, इंट फंक्शन, अच्छा जी सी, अच्छा डबल ओ, डबल ओ लिख दिया, स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है हमने, क्योंकि नीचे ऑड लिखा है तो वो मैच नहीं कर रहा, ऊपर यहाँ पे देखें सी ऑड लिखा था हमने, तो ये टी आना है, ठीक है, कंट्रोल एस F9। अब क्या इशू है जी, अब ये सेमी कॉलम नहीं लगाया, सेमी कॉलम नहीं लगाया, चलें जी अच्छी बात है, आप लोग देखते हैं, ये हो गया F9, कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट हमने जब किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, देखिए आउटपुट में उसी तरह से आया, टोटल इवन वैल्यूज आर 4 और टोटल ऑड वैल्यूज आर 1। आप इसमें इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले एरे को डिस्प्ले भी कर सकते हैं ताकि आपके सामने एरे के एलिमेंट हों, ठीक है, क्लियर। यस सर, इसे हम यूजर से डिमांड नहीं कर सकते जैसे पहले हमने एक यूजर डिमांड किए हैं? बिल्कुल यूजर से डिमांड करें, आपके अपने ऊपर है, आप यूजर से डिमांड कर सकते हैं, जैसे इस प्रोग्राम में हमने किया था, ये देखें ये सीन किया है,
यहाँ पे भी यूजर से आप डिमांड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको यहाँ से खत्म कर रहा हूँ, ये मैंने खत्म कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूजर से डिमांड करूंगा उसी तरह से। अगर मैं यहाँ से डाटा जल्दी से कॉपी कर लूँ तो मेरे पास टाइम से ये यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे प्लेस कर दिया। यहाँ पे मुझे सम नहीं चाहिए तो ये सम की लाइन खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक लूप लिखा है 0 से लेकर 4 तक और उसमें 5 वैल्यू मैं स्कैन करूंगा। अब इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद कंपाइल, कंपाइल हो गया है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आप अपनी मर्जी से दे दें, बता दें मुझे वैल्यू। सर हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से बता दें। 10 लिख दूँ। अब यहाँ पे देखें इवन वैल्यूज कितनी है, 2 और ऑड वैल्यू कितनी है, 3। उसके वैल्यूज के मुताबिक उसने वर्किंग की है, यानी एक आपका ये ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, 3 ऑड और 2 इवन। क्लियर? यस सर। जल्दी से हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में ये है कि उसने एक एरे है, उसमें से हमने लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसको इसी तरह से यहाँ से इसको पिक कर लेता हूँ स्कैनिंग तक, ठीक है, ये कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। मुझे इक्वल ऑड नहीं चाहिए, मुझे एक लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, इंट मैक्स लिख देता हूँ, ठीक है, और ये वाली लाइन भी नहीं चाहिए मुझे। और यहाँ पे मेरे पास स्कैनिंग के लिए वैल्यू 5 वैल्यू स्कैन हो गई, ठीक है। अब जब वैल्यू आ गई है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सपोज करूँगा मैक्सिमम जो है, लार्जेस्ट वैल्यू है वो डेटा ऑफ 0 है, ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया पहली वैल्यू हमारे पास लार्जेस्ट है। क्लियर? अब हम फॉर लूप, अब int i कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि पहली वैल्यू तो हमने कंसीडर की हुई है, ये मैक्सिमम है, तो हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक, 4 तक, ठीक है, यानी लूप हमने चलाना है बाकी 4 वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और हम कंपेयर करेंगे कि क्या दूसरी वैल्यू, तो हम मैक्स को चेक करेंगे। इफ मैक्स जो है, जो हमने कंसीडर किया हुआ है कि लार्जेस्ट है, मैक्स जो हमने कंसीडर किया है लार्जेस्ट है, तो उसको अगर तो वो स्मॉलर है डेटा ऑफ आई से, तो इसका मतलब डेटा ऑफ आई ग्रेटर है, तो मैक्स को चेंज कर दें डेटा ऑफ आई से, ठीक है। क्लियर? इस तरह से जो भी ग्रेटर होगा वो मैक्स में आ जाएगा। वन बाय वन तमाम वैल्यूज चेक होगी, चेक होने के बाद फिर मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू टिक हो जाएगी और ये लूप टर्मिनेट होने के बाद मैक्सिमम वैल्यू आपके पास, लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास मैक्स में आई होगी, आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। द लार्जेस्ट वैल्यू इज, यहाँ पे मैक्स लिख दें, वो सेव करें, कंपाइल करें, कंपाइल हो गया, उसके बाद इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट में देखते हैं, वैल्यू खुद से देनी है आपने, बता दें, मैं ये कहता हूँ जी 12, 45, 60 और 20
और कोई भी और वैल्यू दे देते हैं 44। हाँ जी, कौन सी लार्जेस्ट है? 45। और से देखो 60 है यार। 60 सर। यहाँ पे देखें उसने आउटपुट में क्या दिया है, लार्जेस्ट वैल्यू इज 60। ठीक है, यानी हमने पहली वैल्यू को कंसीडर किया था कि वो लार्जेस्ट है। ठीक, पहली वैल्यू को कंसीडर किया वो लार्जेस्ट है, उसके बाद कंपेयर किया दूसरी वैल्यू से, 45 से वो छोटा है जो हमने चेक लगाया था, तो लिहाजा मैक्स में 45।